हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज 6 मुहर्रम और मेरे फादर की आज बरसी है। भाई ने अपने घर पे कुरान खानी रखी है, तो मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। और इस वक्त बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है, हमें जाना है। और अब वही टेंशन हो रही है कि किस तरह जाएंगे। खैर, जल्दी से काम निपटाते हैं, बारिश हो सकता रुक जाए। अभी इस वक्त बहुत तेज़ हो रही है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इतने दिनों से सबको बारिश का इंतज़ार था, इतनी गर्मी हब्स हो रहा था और लग रहा था कि बारिश होगी तो बहुत तेज़ होगी। इस वक्त शाम के 5:15 बज रहे हैं, बारिश रुक गई है और हम तीनों बहनों को लेने आई हैं भाभी। तो बड़ी बहन भी मेरे घर आई हुई हैं, तो हम दोनों को यहाँ से पिक किया और छोटी बहन को उनके घर से पिक किया है। और अब हम सब जा रहे हैं भाई के घर। कराची में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी बहुत जमा हो जाता है और पता ही नहीं चलता रास्तों का कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पर गड्ढर है, तो ये सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। और हम जिस रास्ते से भी गुजर रहे हैं, हमें हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और बारिश की वजह से रोड्स पर गड्ढे भी बहुत हो गए। पहले तो कोई सिस्टम भी था कि पानी ज़्यादा जहाँ पर उग गया वहाँ से निकाल देते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई इंतज़ामिया ही नज़र नहीं आती। बहरहाल, कराची वालों को तो इसी तरह जीने की आदत पड़ गई है। और अब हम सब भाई के घर पहुंचे हैं और सब बच्चे और हम लोग सब मिलकर कुरान शरीफ और सूरह यासीन तस्बीह वगैरह पढ़ रहे हैं। और जब हम सब अरबी वगैरह पढ़ लेंगे तो भाई उनके नाम से फातिहा दिलाएंगे। और अब हम भाई के घर से वापस हो रहे हैं, फातिहा खाना वगैरह सबसे फारिग हो गए, तो भाई अब हमें छोड़ने जा रहे हैं। आज डैडी को बिछड़े हुए हमसे 12 साल हो गए। हम लोग सब बहन भाई उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। वैसे तो सभी माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे डैडी हम सब बहन भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, हम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने पोता पोती नवासा नवासियों से मोहब्बत करते थे। सब बच्चे भी उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आप लोग भी मेरे फादर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन।